बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पर हो रहा है रात का वक्त और रात के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर मेरी बहन बना रही हैं रोटियाँ और मैं अभी पेड़े बनाने लगी हूँ। और हम लोग रोटियां काउंटर में बनाते हैं। जब रोटियां बनानी होती हैं तो काउंटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। वैसे भी डेली ही साफ़ होता है, मगर रोटियां बनाने के वक्त भी साफ़ ही करते हैं। मैं तो बार बार साफ़ करती रहती हूँ, किचन को गंदा होता है फिर करती हूँ। सारा दिन मेरा यही काम होता है, सफाई करना। हाँ, मेरी बहन सारा दिन किचन ही साफ़ करती रहती है। और रोटियों के साथ यहाँ पे अम्मी ने रख दी थी दाल मूंग की, ये काली दाल बोलते हैं हम इसे, मतलब के काली मिर्चों वाली दाल। तो ये अब्बू के लिए बन रही है। तो इसके तड़के के लिए ग्रीन चिली मैंने ली है और 2 क्लोव्स लिए हैं मैंने गार्लिक के। इसे मैं पीस लूँगी, बाद में इसका तड़का बना के दाल में ऐड करेंगे। अगर गला वगैरह ख़राब हो तो ये भी अच्छी होती है, गले ख़राब के लिए साफ़ हो जाता है गला इससे। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को पीस लिया है और रोटियाँ भी यहाँ पे तैयार होने वाली हैं। मैं 10 रोटियाँ बना रही हूँ, अभी तो 5-6 सिर्फ बनी हैं। और यहाँ पर अम्मी पीस रही हैं सिलबट्टे में शामी कबाब का मसाला। मैंने आपको पहले दिखाया था, उसकी रेसिपी बताई थी। तो ये हमारे घर में बनता ही रहता है क्योंकि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, फिर अम्मी बनाती हैं। और यहाँ पे दाल के लिए तड़का रेडी हो रहा है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और एक ग्रीन चिली डाली है और हाँ, इसमें ब्लैक पेपर भी गया है। तो तड़का रेडी है और इसे दाल में ऐड कर दिया। मज़े की बनती है, आप भी ट्राई करके देखें। और दाल यहाँ पे रेडी है तो इसे चूल्हा ऑफ़ कर लिया इसका। और यहाँ पर मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी तो यहाँ पर हरी मिर्चों की शॉपर्स इतनी सारी पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने अपनी बहन को बोला मैं इन सबको धोकर और एक कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी ग्रीन चिलीज निकाल रही हूँ और इन्हें मैं बाद में वॉश कर लूँगी। हरा मसाला रोज़ आता है तो उनके साथ चिली भी ज़रूर आती हैं, तभी इतनी सारी हो गई हैं वैसे। और इसके साथ ग्रीन कोरिएंडर और पुदीना भी है तो उसे भी मैं साथ में धो लूँगी। ये ऊपर के जो हैं वो निकाल लेंगी तभी ख़राब नहीं होगी, अगर ये छोड़ देंगे तो फिर से वो ख़राब हो जाएंगी सारी। हाँ, इन्हें वॉश कर लेंगे ना, फिर इसे अच्छे से ड्राई करके कंटेनर में ऐड डालेंगे, वरना फिर ख़राब हो जाएंगी, गीली ही डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कोरिएंडर और हरा पुदीना ट्रे में रख रही हूँ, इन्हें भी मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इन्हें वॉश कर रही हूँ और वॉश करते करते ही यहाँ पर चली गई है लाइट, अंधेरा हो गया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर अभी ग्रीन चिलीज़ बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसे मैं डाल दूँगी एक कंटेनर में और इसे पैक करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पर मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में ये, तो मेरी बहन ने फ्रिज खोल के दिया और मैं इसमें रख रही हूँ। तो जी, जो आपने ये क्लिप देखी ये रात की क्लिप थी और यहाँ पर है सुबह का टाइम। सुबह को हम नाश्ते में बना रहे हैं हलवा पूड़ी और चने भी साथ में। तो सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे में रखी, इसके अंदर ऐड किया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम अनियन, 1 लार्ज साइज का अनियन ऐड किया है इसमें। इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे, ये गोल्डन हो जाए फिर इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। तो यहाँ पर प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो गई है तो इसमें ऐड करेंगे गार्लिक क्लॉव्स और जिंजर। आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं।
मगर बाद में ये मसाला जितना भी है वो सारा ब्लेंड होगा, तो हम यहाँ पर साबुत ही डाल रहे हैं। ख्याल रखिएगा प्याज ब्राउन ज़्यादा ना हो जाए, वरना सारा सालन ही ब्लैक हो जाएगा। और इसमें अभी से अब इस पॉइंट पे ऐड कर लिए हैं टमेटोज। टमाटर का छिलका हमने उतार लिया था और अब इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड किया है लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसके बाद ऐड की है हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून और यह है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। और अभी यहाँ पर मसाले ने ऑयल भी सारा छोड़ दिया है, तो इसे हम ठंडा करके फिर इसे ब्लेंड करेंगे। और साथ में ही इसमें हमने पानी भी ऐड किया है, 1 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड किया है, मसाला जल ना जाए इसीलिए। तो मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी फ्लेम ऑफ कर दी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मसाला हमने हवा में रख दिया कि ठंडा हो जाए, उसके बाद ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ पूरी का आटा, इसके लिए मैंने मैदा लिया और उसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें गई है योगर्ट। अगर आपको पूड़ियाँ नरम पसंद है तो आप योगर्ट डालें, अगर क्रिस्पी पसंद है तो योगर्ट स्किप कर दें, वो ना डालें। और मसाला ठंडा हो गया है तो इसे हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। और यहाँ पर मसाला हो गया है ब्लेंड, इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और साथ में ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा, इसके लिए मैंने रख दिया है चूल्हे पर पॉट और उसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। और मैं मसाला भून रही हूँ क्योंकि पहले पक चुका है, तो थोड़ा सा ही भूनेंगे, अब चने डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ली है सूजी, ऑयल गर्म हो गया, इसमें ऐड कर दी है मैंने सूजी और मैंने ऐड कर दिए हैं चने। और मैं यहाँ पर सूजी को भून रही हूँ और मैं चने को भून रही हूँ। और चनों का सालन जब ऑयल छोड़ दे तो हम इसे निकाल देंगे बाहर। और यहाँ पर मैं सूजी को भी भून रही हूँ, इसे मिक्स करते जाएंगे वरना ये नीचे से जल भी सकती है। सूजी जब भून जाए तो इसमें मैंने ऐड कर देना है पानी। और यहाँ पर पानी ऐड करने के लिए मैंने अम्मी को बुलाया, क्योंकि ये जब धुएँ उड़ते हैं मुझे बहुत डर लगता है इससे, तो अम्मी ने ऐड कर दिया पानी इसमें। और पानी ऐड करने के बाद ऐड कर देंगे इसमें हम चीनी, जितनी क्वांटिटी सूजी की है उतनी ही चीनी की है, तो चीनी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम जर्दे का कलर। और मैं शुरू में ऑयल में इलायची डालना भूल गई थी, तो मम्मी ने मुझे अभी याद दिलवाया कि इलायची नहीं डाली, तो इस पॉइंट पर मैंने इलायची डाल दी और साथ में ही जर्दे का रंग भी डाल दिया। तो अभी थोड़ा सा थिन लग रहा है, लेकिन इसे अगर ढक्कन लगा कर रख देंगे तो ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। और चने का सालन भी तैयार है, इसे हमने निकाल दिया और ये हलवा भी तैयार हो गया है। अब बस बारी आती है पूड़ियाँ बनाने की। तो यहाँ पर अभी मेरी बहन बना रही हैं पूड़ियाँ, ये खुशके से नहीं बनेंगी, इसमें ऑयल लगा कर इसे बेलना है। और कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है और वो गर्म हो गया, तो उसमें ऐड कर दी पूड़ी। एक मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और फिर से पलटा देंगे और फिर दूसरी साइड। और यहाँ पर पूरी रेडी हो गई है, इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी बना देंगे। और ये दूसरी पूरी डाली है,
तो जो हमने इसमें इसके आटे में जो दही ऐड की है उससे ये काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। अगर आप लोगों को क्रिस्पी पसंद है तो आप दही नहीं डालें। और यहाँ पर दूसरी पूरी भी तैयार है, इसी तरह हम सारी रेडी कर लेंगे। और जी ये देखिए माशाल्लाह हमारा नाश्ता बन गया है, साथ पूरी पूरी ही देखिए आप कितनी सॉफ्ट बनी है, और साथ में चने और हलवा सब रेडी है। अब इसे हम प्लेट्स में सर्व करेंगे। और साथ में ही ये रोटियां बनाई हैं अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी पूरियां नहीं खाती और अब्बू को भी हमने पहले ही नाश्ता बना के दे दिया है, अब वो पूरी वगैरह नहीं खाते ना इसीलिए। और यहाँ पर मेरी बहन प्लेट में निकाल रही चने और मैं यहाँ पे खा के दिखाऊँ कैसे बने हैं। मेरा हलवा निकाल लूँ। हलवा देखिए आप लोग कितना गाढ़ा हो गया है अभी। और जी अब यहाँ पर मेरी बहन टेस्ट करके बताएगी कैसा बना है। मसाले भी एकदम परफेक्ट डाले हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं। पूरी भी नरम बिल्कुल मुलायम और चने भी परफेक्ट। अब हलवा खा के दिखाऊंगी। हलवा भी वीआईपी बना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉर्सलिंग दिखा रही हूँ जो लग गई है माशाल्लाह से। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि ये आ गई हैं, अब छत पे लगनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छत पर भी लग गई हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही हैं। और अब बाकी है पेंट का काम, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। तो कैसी लगी आप सबको मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और साथ में ही सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हलवा पूरी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।